चेतना ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पति हूँ मैं इसका। अरे रिलैक्स, मेरी किस्मत खराब है कि ये मेरा पति है। मेरे घर वालों ने ना जबरदस्ती से शादी कराई थी मेरी। चेतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? अच्छा क्या किया मेरे लिए? एक कमरे के झोपड़ी जैसे घर में रखा, क्या किया मेरे लिए? रोटी भी बिल्कुल तरस तरस के दी, आज तक कभी शॉपिंग नहीं कराई, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं करा, ये करा है तुमने मेरे लिए। इसीलिए मैंने बाहर अफेयर किया, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे नहीं इससे प्यार करती हूँ, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की हिम्मत रखता है। तुमको पता भी है कितने बिजनेस है इसके, कितना अमीर है ये। ये गाड़ी देख रहे हो कितनी बड़ी है, आज तक गाड़ी देखी है तुमने? तुम्हारे साथ शादी करने के बाद से ही ना सिर्फ रिक्शों पे धक्के खाए मैंने, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैंने उनको बहुत बार बोला था कि बिजनेस कर लो, कुछ बन जाओ, मैं ऐसी घटिया लाइफ नहीं जी सकती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चेतना तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा पति एक सड़क छाप है। तुम्हारी शादी तो किसी राजकुमार से होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। इसीलिए तो नहीं बताया, क्या बताती, इतने गरीब आदमी से मेरी शादी हुई है। अरे जीना हराम करके रखा था इसने मेरा। मैंने इतनी बार बोला शॉपिंग नहीं करा सकता, कोई खर्चे पूरे नहीं कर सकता। मैंने बोला कि बड़ा घर लेना है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, कपड़े नहीं दिला सकते, कोई चीज कोई इच्छा आज तक इसने पूरी नहीं करी। और हमेशा मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी कि अंडरस्टैंड कर। क्यों अंडरस्टैंड करूं मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं सिर्फ तुम्हारे पीछे? इतना वक्त दे दिया ना तुमको, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमको बस बैठ के खाना है। तुम ये चाहते थाली में परोस के मिल जाए सब कुछ, और क्या बोल रहे थे, मैं नौकरी करूं, मैं कमाना शुरू कर दूं। मेरी आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं करी इसने, हमेशा बस एक्सपेक्टेशन रखी कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि एक ना एक दिन सक्सेसफुल तो हो जाएगा ये और पैसा आ जाएगा। मैं क्यों इंतजार करूं, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं तेरे पीछे? चेतना काम तुम भी कर सकते हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब तो कर ही सकते हो। हम दोनों अगर मिल बांट के कमाएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे। तुमको शर्म नहीं आती है बातें बोलते हुए? तुमने पहले भी मुझे बोला था, अरे मेरी तरफ देखो, मैं काम करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। मैं क्यों मेहनत करूं जब मैं एक ऐसा पति डिजर्व करती हूं जो बहुत अमीर है? तुम्हारी यही घटिया बातों के चक्कर में ना मैं तुमको छोड़ा था और मायके आके रह रही हूं 2 महीने से। मैंने सोचा सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे पर विश्वास करके गलती करी मैंने, इसलिए मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही हूं, कि मैं तुम्हारे साथ वो कचरे में नहीं रह सकती अब। जितना वो मेरा घर है और मैं उसे मंदिर मानता हूँ, मेरी माँ रहती है मेरे साथ, उसे कचड़ा तो मत बोलो। कचड़े को कचड़ा नहीं बोलेगी तो महल बोलेगी बेचारी। और मुझे ना ये फसल के कचड़े वाला लगता है, इसकी माँ ना कई घरों में जाके झाड़ू पोछा करती होगी और ये वही चाहता है कि तू भी वही कर। हाँ मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रखी थी इस आदमी ने, ये देखो कितना खुश रखता है मेरे को, जो मांगू ना सब ला के देता है। देखिए भाई साहब, आप प्लीज हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी ना करें। जितना ये फूल मैं आपके लिए लाया था। ये फूल लेके आया तू मेरे लिए, इससे ना तेरी औकात का पता चलता है। एक फूल खरीद के भी नहीं ला सकता तू मेरे लिए, एक पार्क से तोड़ के लेके आ गया है। इसको देख, हर इच्छा पूरी करता है मेरी। ये देख आईफोन दिलाया मुझे मेरे सिर्फ एक बार ही कहने पर, और जो बोलती हूँ वो दिलाने को तैयार हो जाता है। बड़ा घर है इसके पास, बिजनेस है, गाड़ियां हैं, तो मैं क्यों रहूं तेरे जैसे के साथ? चेतना मुझे नहीं पता था तुम गोल्ड डिगर हो, इसमें मेरे इमोशंस थे, फीलिंग थे, कितने प्यार से लाता मैं तुम्हारे लिए। क्या बोला? गोल्ड डिगर बोल रहा है मुझे? अरे देख तेरी औकात क्या है, तो कुछ दिला सकता नहीं है मुझे, एक फूल खरीदने की तेरी औकात नहीं है, और मुझे गोल्ड डिगर बोल रहा है? मेरी मर्जी, मेरे को ना लग्जरी लाइफ जीनी है, और उसके लिए मैं कितने बॉयफ्रेंड बनाऊं? तू मुझे वो लाइफ नहीं दे सकता, मैंने तेरे को बहुत टाइम दिया था, और अब ना मेरे को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रह के बात कर। तेरी औकात ना मेरे सामने खड़े होने की नहीं है, तू जानता नहीं है कि कितना अमीर है मेरा नया बॉयफ्रेंड, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और तेरे साथ लाइफ बर्बाद थी। एक तो तू जो कोई काम नहीं करता, कमाता नहीं है, दूसरी तेरी माँ भैया जीना हराम करके रखा था, 24 घंटे उसकी तबीयत खराब रहती थी, तुझसे पैसे मांगती थी कि मुझे शॉपिंग करनी है तो माँ की दवाइयाँ लानी है, उनके चेकअप के लिए जाना है। अरे इतनी बीमारी है तो मर जाए ना, क्यों बोझ बनी हुई हमारे ऊपर? जितना तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हें कभी बहू नहीं अपनी बेटी समझती है। कैसी बातें क्या कर रही हो, सच्ची बोल रही हो, इतनी उम्र होगी जाए मरे हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, इतना खर्चा हो जाता है उसका, उसकी वजह से ही ना मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वो जाए ना तो मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन नहीं, हर दिन उसकी दवाइयाँ, उसके चेकअप, हर चीज लेके जाओ, लेके आओ उसको अस्पताल, मेरी मानी है वो,
और वैसे क्या बोल रहे थे तुम, बेटी मानती है? अरे बेटी नहीं, नौकरानी मानती है। सुबह शाम तक सेवा करो, हर जगह लेके जाओ लेके आओ, खाना परोस के दो बिल्कुल बेड पर, उठ के खुद नहीं ले सकती क्या? नौकरानी बना कर रखा था बस मुझे, पैर दबाओ जी, सेवा करो। क्यों करूं मैं, नौकरानी रख सकता तू? अरे हाँ, तुझसे तो रोटी भी नहीं लाई जा रही घर पे, नौकरानी क्या रखेगा? जितना आपको पता है ना, मैं कोशिश कर रहा था, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, हर जगह इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने। हाँ, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको पैसा डुबाना कहते हैं। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, मैंने मना किया था तुम्हें कि मत करो, पैसा बर्बाद हो जाएगा। और जब उनकी वैल्यू गिर गिर के 50,000 हो गई थी, मैंने तब भी तुम्हें बोला था कि निकाल लो, लेकिन तुमने मानी नहीं। मैं तो रखूंगा, बढ़ेंगे और कम होते गए और कम होते गए। तुम्हारे ना इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन लिया था। अरे वो जो 2 लाख थे ना, उनकी हम कार खरीद लेते, टाटा नैनो तो आ जाती कम से कम। टाटा नैनो तुम्हारी ड्रीम कार, टाटा हैरियर ले लेते हैं, आखिर है तो टाटा की ना। ये तुम्हारी कार है जय? हाँ जी, ये मेरी कार है, और ऐसे बहुत सारी कारें हम खरीद सकते हैं। तुम्हें पता है उन शेयर्स की वैल्यू अब 500 सीआर है। मतलब 500 करोड़? यू आर राइट। हम तुम्हें लेने आए हैं नई गाड़ी में। माँ, अब वो किसी और की बहू बनने के लिए तैयार है, और आपको दूसरी बहू ढूंढनी पड़ेगी। बेटा ये क्या बोल रहा है? नहीं जे, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, वो थोड़ी सी बस गलतफहमी हो गई थी, मैं इनके साथ मजाक कर रही थी, ये मेरे सारे दोस्त हैं। ये इनका बॉयफ्रेंड है और 2 महीने से इनका अफेयर चल रहा है, इसलिए अपने मायके आई थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। काहे के मम्मी जी, अभी तो तुम बोल रहे थे इनको मर जाना चाहिए। जे, मैं मजाक कर रही थी, ये सारे बस दोस्त है मेरे। चेतना, तुम ये क्या बोल रही हो? मुंह बंद रख। 500 करोड़ और तू देख, उससे लाख गुना ज्यादा पैसा है उसके पास। जे, हम नई शुरुआत करते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रही थी। हम चलते हैं ना, घर चल के बात करते हैं। नहीं, उस घर में अब तुम्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा घर बहुत नया और अच्छा है, उसमें तुम्हारे लिए तो कोई जगह नहीं है। जे देखो, ऐसा मत करो, ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना, हम नई शुरुआत करते हैं। तुमको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जितना मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अब एक पल नहीं रह सकता। मैम, आप सिंगल हो? जय, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते तक नहीं हो उसको। हाँ, 2 साल तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें भी नहीं जान पाया। भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, और ये सिला दिया तुमने। तुम बीवी हो मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं। जय प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मौका और तुम्हें, तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ, और अभी तुमने 2 मिनट पहले क्या बोला था, मेरी माँ मर जाए। अरे तुम जाती 1,000 लड़कियां कुर्बान है उनके ऊपर। मैम, आप मुझसे शादी करोगे? जय, सही तो कह रही है वो, उसकी हैसियत थोड़ी है कि वो तुमसे शादी करेगी। मैं तुमको बोल रू ना, तुम मुझे एक लास्ट चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें दूंगा जरूर डिवोर्स के पेपर, और ये अच्छी है बुरी है पैसों से दिल नहीं देखा जाता। काश तुम कभी मेरा दिल देख पाते, कभी मुझे समझ पाते, कल तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। चलो माँ, चलिए। जय, मम्मी जी, जय प्लीज मेरी बात तो सुन लो।